नमस्कार आदाब, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। अररिया में पंचायत चुनाव 2021 का परिणाम काफी चौंकाने वाला रहा है। जिले में 70% से ज्यादा नए चेहरे देखने को मिले हैं। खासकर अररिया जिले के जोकीहाट प्रखंड का चुनाव परिणाम तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रहा है। जोकीहाट प्रखंड के 26 में से 25 पंचायत को नया चेहरा मिला। इसी क्रम में प्रखंड के चोकता पंचायत को भी नया चेहरा मिला। चोकता पंचायत से सफीदा सलाम को जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना। आइए आपको दिखाते हैं जीत के बाद मुखिया सफीदा सलाम के पुत्र रजी अनवर और वार्ड नंबर 3 से वार्ड सदस्य बने रिहान आलम ने जनता को क्या संदेश दिया। अजी भाई, पहले तो जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी, जीत की पूरे पंचायत को, मैं भी आपके चैनल के माध्यम से पूरे पंचायत को जीत का बधाई देना चाहता हूं। और ये जो जीत आज हम जो चुनाव जीते, ये पूरे पंचायत की जीत है। मैंने शुरू से ही बहुत, मेरा मुद्दा वाला चुनाव रहा है और मुद्दा की जीत हुई है, पूरे पंचायत के विकास की जीत हुई है और लोगों ने हम पे विश्वास किया है, तो विकास की जीत हुई है। आगे रजीब भाई, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से ही आपने लोगों से काफ़ी सारे वादे किए हैं, उस वादे पे काम कैसे होगा? जी बिल्कुल, हम वादे पे और विकास का वादा किए हैं, जो और जो पंचायत को जिस तरह से पूरा अच्छे तरीके से एक संपूर्ण पंचायत, खुशहाल पंचायत बनाने का वादा किए हैं, तो वो उस पर हम काम करेंगे, क्योंकि विकसित पंचायत बनाना बहुत ज़रूरी है। जो एम्बुलेंस का मामला है और जो रास्ता का मामला है और RTPS काउंटर का मामला है, ये सब जो भी मेरा जो भी मुद्दा था, मेरा जो भी मेरे मैनिफेस्टो में था, सब पे हम काम करेंगे। और काम करने में पूरे पंचायत से हम मदद की गुहार लगाते हैं कि सब लोग मेरा कोऑपरेशन करेंगे और कोऑपरेशन से ही पूरा सिस्टम चल सकता है। तो पूरे पंचायत से हम फिर पुनः जिस तरह से चुनाव में मेरा साथ दिया है, उसी तरह से पूरे पंचायत से हम फिर कोऑपरेशन की मदद मांगेंगे कि पूरा पंचायत मेरा साथ दे इस काम को करने में और एक अच्छा पंचायत बनाने में। आपने बहुत सारे मैनिफेस्टो में आपने बहुत सारी बातें कही थी, उनमें से कौन सा ऐसा काम है जो पहले आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले तो RTPS काउंटर का जो मामला है, जो जन कल्याण का मामला है, लोग जिससे हैरान परेशान है, उसको दूर करने का काम करेंगे। और एम्बुलेंस का जो मामला है, वो एम्बुलेंस को भी देने का, बहुत जल्दी एम्बुलेंस का भी सेवा स्टार्ट करवाएंगे। और जो हमने शौचालय का बात किया था, जो हमारे पास जो अभी योजना हमको आवंटित होगा, उसके तहत हम शौचालय का भी निर्माण बहुत जल्दी कराएंगे, जो हमारी महिलाएं परेशान हैं इस चीज़ के लिए। तो हमने जो मुद्दा पे बात किया था, वो हम दूर करवाएंगे और उस काम को करवाएंगे। जी, लोगों को आपके माध्यम से क्या संदेश है यहाँ, क्योंकि चुनाव में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो आपके फेवर में नहीं है, खास करके उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, ये चुनाव होता है, एक लोग इधर, दो लोग उधर, तीन लोग इधर, सब कैंडिडेट होता है, जो जिसका क्लोज होता है, जिसको जिस विचारधारा पे, जिस सोच पे सपोर्ट करना हो, वो होता है। लेकिन जीत हमारी हुई है, तो हम पूरे पंचायत को अगर विकसित पंचायत के आगे बढ़ रहे हैं, तो सब लोगों का सहयोग इसमें बहुत ज़रूरी है। और सब लोगों को खुलकर आप साथ में आना चाहिए और सब लोग को मिलके ही काम करेंगे, तभी एक पंचायत को विकसित पंचायत बना सकते हैं। तो इसमें सब लोगों से मेरा यही कहना कि आप सब लोग, पूरे पंचायत के लोग मेरा सहयोग करें और जो भी जहां कहीं ज़रूरत है, आप मेरा इस्तेमाल करें, आप हमको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें, जहां कहीं कमी बेसी है आप हमें बताएं, हमारा वहां पहुंचना होगा, हम काम करेंगे। जो किसी भी को तरह का किसी को संकोच नहीं करना है, सब लोग हमारे हैं, जितना भी पूरा पंचायत जो वोट किए हैं, 6162 वोट कास्ट हुआ है, वो पूरा सब वोटर वो हमारे जिम्मेदारी में, हम उनके जिम्मेदारी में, सब लोग एक दूसरे के ख्याल रखने वाले में से लोग हैं और हम पूरे पंचायत का कर्ता धरता हैं। रिहान भाई, आप चौकता पंचायत से चुनाव लड़े और वार्ड मेंबर का और चुनाव जीते भी, लोगों को क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपका चैनल का भी शुक्रिया अदा करते हैं और हम अपने वार्ड में जितना भी सदस्य हैं सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। आगे अब तो जीत मिल गई है, लोगों ने अपार समर्थन दिया, प्यार दिया आपको, कैसे काम करेंगे आपके वार्ड में, किस किस चीजों की कमी है जहां आप लगता है कि आप जब आप शपथ ग्रहण करें जी, उसके बाद अपने वार्ड में काम शुरू करेंगे, तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट होने वाला है काम? जी सर, हम जो चुनाव लड़े वार्ड सदस्य में,
तो हम फील्ड पर मुद्दे लेकर के उतरे थे, मुद्दे पे बात किए, जो भी विकास होगा जब प्रखंड से हम ले आएंगे, जितना भी हमारे सब वार्ड में जितना भी हमारा फंडिंग होगा भरपूर हम उसका विकास करेंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे आप? सड़क की जरूरत आपके वार्ड में होगी, नाले की जरूरत होगी जो जल जमाव जहाँ पर होता होगा। शुरुआत हमारा पहला तो होगा शौचालय का, दूसरा सर क्या कहते हैं कि जो विकास है पशु शेड जैसे हो गया, प्रधानमंत्री आवास हो गया, और क्या कहते हैं कि तीसरा हो गया मेरा शिक्षा और स्वास्थ्य का। ठीक है, पहला ये है कि हमारे यहाँ जो वार्ड में शौचालय का बहुत कमी है, महिला लोग खास करके दिन का रात का इंतज़ार करते हैं, पूरे दिन वो बहुत महसूस करते हैं। तो हम सोचते हैं सबसे पहले स्टार्ट हमारा शौचालय का ही होगा, उसके बाद जितना भी लोगों का प्रधानमंत्री आवास का नाम लिस्ट में है उसको उसका लाभ दिलाया जाएगा, और उसके बाद जिन लोगों का रुका हुआ है पेमेंट उनका पेमेंट करेंगे, और हम ईमानदारी से काम करेंगे अपने वार्ड में। रहा शिक्षा का बात, शिक्षा में थोड़ा हमारे यहाँ शिक्षा खराब चल रहा है, तो अभी नए नए मदरसा है, नए नए बहाली हुआ तो कुछ शिक्षा बढ़िया हो रहा है। हम ये सोचे हैं कि हमारे अगल बगल में कुछ ज़मीन है सड़क सेट में, उसमें कॉन्वेंट और कोचिंग सेंटर खोल करके अलग से टीचर रखना पड़ेगा, रखेंगे और बच्चे सबको शिक्षा दिलाएंगे और बेहतर समाज में सुधार लाएंगे। और स्वास्थ्य का बात रहा तो हम वार्ड सदस्य हैं, लेकिन अपना अध्यक्ष जो है डीलर अब्दुस्सलाम साहब मुखिया जी हमारे नए बने हैं, उससे मिल करके हम यहाँ एम्बुलेंस लाने का काम करेंगे पंचायत में, और हॉस्पिटल भी जो होता है पंचायत लेवल का उसको भी निर्माण कराने का कोशिश करेंगे। सर हम यूं ही चुनाव नहीं जीते हैं, इसमें हमारे सब वार्ड का सपोर्टर का साथ था और अम्मी का भी दुआ हमारे साथ था। तो हम ये अम्मी के बारे में बोलना चाहते हैं कि हम अपना शहर का ताज़ा हवा साथ लेके चला था, यारो हर दर्द का दवा साथ लेके चला था, मुझको यकीन था कि मैं रहूँगा कामयाब क्योंकि मैं साथ में माँ का दुआ लेके चला था। और ये भी हम कहते हैं सर, हम चुनाव जो जीते हैं ऐसे भी किए हैं कि जो सफ़र इख्तियार करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं, चलकर तो देखिए रास्ते मुसाफिर का इंतज़ार करते हैं। इसलिए ये बोले हम ग्रामीण से लेकर के जिला स्तर अदर जिला कटिहार तक हम हेल्प किए हैं लोगों का यहाँ समाज में, इससे पूर्व में कोई सदस्य नहीं था, इतना तक हम हेल्प किए हैं, इसलिए हमको हमारे साथ यहाँ का समाज का आदमी खड़ा उतरा और हमको वार्ड सदस्य के चुनाव में जिताया है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो इंशाल्लाह हम आगे मंजिल को भी छुएंगे। मानुल जी आप भी चुनाव लड़े समिति पद पे जी, और क्या रिजल्ट रहा आपका और लोगों से क्या संदेश, लोगों के लिए क्या संदेश? पहले तो मैं आपका चैनल को धन्यवाद देता हूँ, कई बार मैंने आपको बुलाया, पहले कृषि इनपुट के मुद्दे में बार का समय में काफ़ी मतलब जनता लोग को मतलब आवाज़ उठाए, हम किसान को कोई सहायता मिले, अभी तक राशि नहीं मिला है किसी को, तो हम चुनाव लड़े, चुनाव में हार जीत वो मुकद्दर का बात था, और इतना जनता हमको समर्थन दिया मेरा मुकद्दर में नहीं था। मैं जनता से पूरा खुशी जाहिर करता हूं कि वो लोग हम पे भरोसा किया है और भरोसा करके रहे, आने वाला समय में आपको भरोसा रखे, और जनता का मैं जो सेवा करता रहा था मैं करता रहूँगा। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुजीबुर रहमान है। जी मुजीबुर रहमान साहब, आपके फैमिली में आपके बेटे ने चुनाव जीता है, जी भतीजे ने, जी कितनी खुशी है आप लोगों में? बहुत खुशी है, हम इतना विकास कोई नहीं किया और नहीं हुआ, हमको ये उम्मीद यकीन है कि विकास की ना चलाएगा और विकास की दर्जा बढ़ावेगा, विकास कुछ नहीं किया, बिल्कुल जो है राज सदन रहते हुए पर कोई काम नहीं किया, यहाँ कोई एक भी काम नहीं किया, ये हमको पूरा उम्मीद है भरोसा है कि अब्दुल रिहान काम करेगा 3 नंबर वार्ड में, इसलिए हमको पूरा भरोसा है और हम धन्यवाद उसको दे रहे हैं कि वो काम करेगा। आप लोगों ने मुखिया भी यहाँ का बदल दिया है? बदल दिया है। क्या कितना उम्मीद रखते हैं नए मुखिया से? मुखिया से भी मैं रखते हैं उम्मीद कि काम करेगा वो मुखिया, ये जो है कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ कागज पर लिखा पड़ी हुआ, काम में कोई काम नहीं किया, बिल्कुल मुँह का लिखा पड़ी हुआ, काम में नहीं आया वो।